नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज कुमारी पूजा के विषय में बात करेंगे। कुमारी पूजा या फिर कुमारी सेवा, इस बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अर्थात कन्या पूजन और कन्याओं की सेवा। नवरात्रि आने ही वाला है, तो नवरात्रि में ये एक बहुत बड़ा विषय है कि कई समय कन्या ना मिलने का एक विषय जो है वो हो जाता है कि कन्या नहीं मिल पाता है। और आजकल क्या होता है, पहले आस पड़ोस में बच्चे होते थे तो उन्हें कन्या लेकर जो है सेवा के लिए कोई समस्या नहीं होता था, सेवा करने के लिए, मतलब कन्याओं की, नौकन्याओं को लेकर जो है सेवा आदि करने के जो विषय थे वो बहुत आसानी से ही हो जाता था। पर अभी क्या है, लोग फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इससे क्या होता है, अलग अलग प्रदेश से या फिर जो है उनके आस पड़ोस के ही केवल नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग तो शायद दूसरे कहीं पर जाकर जो है फ्लैट खरीद रहे हैं, दूसरे प्रदेश से या दूसरे जगह के लोग आकर जो है आपके फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कई समय उतना संबंध रहता नहीं है क्योंकि फ्लैट आदि में जो है बहुत फॉर्मेलिटी का संबंध होता है, तो इसलिए जो है वो अपनी कन्या आदि को सेवा आदि के लिए नहीं देते हैं। तो देखिए कन्या सेवा जो है मैं यहाँ पर बता दूँ, नहीं तो फिर से जो है आप लोग ये सवाल पूछेंगे। कन्या सेवा का मतलब होता है कि कन्या को आप जब जो है उनके पैर आप धुला रहे हैं, उन्हें आप जो है रोड़ी चंदन आदि का टीका आप कर रहे हैं, उनके आप आरती कर रहे हैं धूप दीप से, उन्हें आप कुछ उपहार दे रहे हैं, ये होता है कन्याओं की सेवा। और कन्या पूजन जो होता है, यानी कि जो कुमारी पूजा होती है, वो पूरी तरीके से एक अलग विषय होती है। उसमें जो है पूरी तरीके से संकल्प लेकर जो है दशोपचार या फिर षोड़श उपचार विधि आदि के साथ ही जो है वो करना होता है। तो कुमारी पूजा जो है वो तंत्रोक्त पूरे विधि नियम के साथ ही जो है, कुमारी पूजा तंत्रोक्त विधि नियम के साथ किए जाते हैं, तो उसके अलग से संकल्प आदि लेकर जो है पूर्णता पूजा होगी। अगर आप लोगों ने बेलूर मठ में, जैसे आप लोग मुझे बहुत सारे सवाल जो है बेलूर मठ को लेकर करते हैं, तो इसलिए मैं भी कई सारे उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए उसके विषय में ही देता हूँ। तो बेलूर मठ में आप देखिएगा, जब कुमारी पूजा होती है तो उसमें अलग से संकल्प लिए जाते हैं, वो दुर्गा पूजा की जो है मुख्य कर्मों में नहीं आता है, वो जो है अंग रूप में किए जाते हैं। पर कुमारी पूजा क्योंकि किए जा रहे हैं तो उसके संकल्प या फिर उसके जो है पूर्णता एक विषय होता है, अर्थात उसके संकल्प लेना, उसके उपचार आदि, निवेदन आदि पूर्णता आपको करना होता है। तो कुमारी पूजा के विषय जो है ये होता है। और सेवा के विषय, कुमारी सेवा के विषय जो है, उनके पैर धुलाना, उनके आरती करना, उन्हें उपहार देना, ये जो है कुमारी सेवा की विषय होती है। कुमारी पूजा के लिए जो है गुण संपन्न ब्राह्मण गुण अर्थात ब्रह्म गुण, शुद्ध गुण संपन्न कन्या की ही पूजन करना होता है। तो कई समय जो है हमें कन्याएं तो नहीं मिल पाती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कन्या हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे जो है कन्या की अगर पूजा भी करना चाहे तो हम कैसे करें, और सेवा की करना चाहे तो हम कैसे करें। तो शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें और अगर हम अपनी स्मृतियों में भी देखें, तो कन्या जो है हमारे मंदिर आदि में भी आप देखिएगा, जो देवी मूर्ति होती है, जैसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जो है माँ की जो मूर्ति है वो सप्तम वर्षीय एक बालिका के रूप में है। तो जब आपको कन्या नहीं मिल रहे हैं, कन्या जब आपको नहीं मिल रहे हैं अलग से, तो आपको माँ के ही आपके चित्र जो है या फिर आपके घर में बिक रहे हैं उनके ही जो है सप्तम वर्षीय कन्या रूप में जो है आपको उनकी पूजन सेवा करना चाहिए। अर्थात जो है अगर आपको कन्या पूजन के लिए, कुमारी पूजा के लिए जो है कन्या नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जो है सप्तम वर्षीय रूप में, सप्तम वर्षीय कन्या को जो है कहा गया है मालिनी, सप्तम वर्षीय कन्या को कहा गया है मालिनी। तंत्र सार में 16 वर्ष तक जो है हर कन्या के, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं, मैंने सभी कन्याओं के नाम के विषय में बताया है। तो 16 साल तक जो है कुमारी कन्याओं का वर्णन मिलता है, तो उसमें ही सप्तम वर्षीय जो कन्या है उन्हें मालिनी कहा जाता है। तो मालिनी कुमारी रूप में, मालिनी कुमारी रूप में जो है आप उनके सेवा पूजन कर सकते हैं, अर्थात माँ के विग्रह में ही, माँ के चित्र में ही जो है आप मालिनी कुमारी की जो है सेवा पूजन आरती आदि ये सब कुछ विधि आप कर सकते हैं। आप अगर कन्या पूजन कर रहे हैं, पूर्णता संकल्प लेकर जो है
तो भी आप कर सकते हो। उसमें मंत्र इस प्रकार होगा कि मालिनी मालिनी कुमारी स्वरूप स्वरूपिणी दुर्गायै नमः, मालिनी कुमारी स्वरूपिणी दुर्गायै नमः, मालिनी कुमारी स्वरूपिणी दुर्गायै नमः, इस प्रकार से जो है आपको पूजन करना होगा। अगर आप जो है कुमारी पूजन कर रहे हैं और अगर सेवा कर रहे हैं तो इसी भाव से सप्तम वर्षीय आप मालिनी कन्या मालिनी कुमारी के ही सेवा कर रहे हैं, इस भाव से ही आपको करना चाहिए। अब बहुत सारे आप लोगों का ये सवाल अब मन में आ सकता है कि सप्तम वर्षीय ही क्यों, माँ के तो 16 साल तक के जो है कहा गया है, तो सप्तम वर्षीय क्यों, केवल सप्तम वर्षीय ही क्यों? तो सप्तम वर्षीय जो बालिका होती है उन्हें पूर्ण कहा जाता है, अर्थात जो है उन्हें पूर्ण कौमारी कहा जाता है। इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है या फिर जो है जो इसके पीछे का जो कई सारे व्याख्या आदि है वो कई सारे स्मृति आदि में भी आप लोगों को मिलेगा कि अष्टम वर्षीय पहले के समय में जो है अष्टम वर्षीय कन्या को जो है गौरी दान करने के लिए कहा गया है, अर्थात जो है उनका जो है विवाह करने के लिए कहा गया है, गौरी दान का पुण्य मिलता है। अष्टम वर्षीय कन्या के अगर जो है आप कन्यादान करते हैं तो आपको गौरी दान का पुण्य मिलता है। पहले के समय में तो कन्याओं के जो है बचपन में ही इस तरह से विवाह हो जाते थे। हाँ, हालाँकि विवाह के कई समय तक जो है वो मायके में ही रहते थे और बाद में जाकर उनका गौना होता था, पर उस समय जो मतलब कन्या के जो पति होते थे वो भी अल्प वर्ष मतलब उनके भी जो है जो उम्र होते थे वो भी कम उम्र के ही होते थे, और कन्याओं को जो है अष्टम वर्ष में कई परिवारों में जो है कई परिवारों में अष्टम वर्षीय कन्या को जो है गौरी दान किए जाते थे। यह आपको कई स्मृति आदि में मिलेगा, कई स्मृति में इसका वर्णन है कि अष्टम वर्षीय कन्या को जो है विवाह देने से जो है वो गौरी दान का पुण्य मिलता है। तो क्योंकि आठ वर्ष जो है आठ वर्ष में ही जो है कन्या के विवाह के बारे में कहा गया है, आठ वर्ष में, उसके नीचे की नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि छः वर्ष में या फिर सात वर्ष में, ऐसा नहीं कहा गया है। अष्टम वर्षीय कन्या को ही जो है विवाह यानी कि गौरी दान के लिए कहा गया है। तो इसीलिए जो सप्तम वर्षीय कन्या जो होती है वो पूर्ण कौमारी होती है। तो इसीलिए ही जो है दोस्तों सप्तम वर्षीय कन्या रूप में ही अगर आपको कन्या नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको जो है कन्या नहीं मिल रहे हैं कन्या पूजन के लिए कन्या सेवा के लिए नवरात्रि के दौरान जो है, तो आप जो है सप्तम वर्षीय मालिनी कुमारी रूप में जो है आप मालिनी कुमारी रूप में जो है दुर्गा रूप में मालिनी कुमारी दुर्गा रूप में जो है उनकी सेवा पूजन आरती आदि कर सकते हैं। और जो लोग विधिवत पूजन कर रहे हैं यानी कि कुमारी पूजा जो कर रहे हैं, सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूजन कर रहे हैं पूर्णता संकल्प लेकर दशोपचार षोडशोपचार आदि विधि के साथ निवेदन करते हुए जो है जो पूर्णता कुमारी पूजा कर रहे हैं वो भी जो है माँ के विग्रह में या माँ के चित्र में जो है सप्तम वर्षीय मालिनी कुमारी की जो है पूजन कर सकता है कन्या के अभाव में। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि अगर जो है कन्या का अभाव होता है तो सप्तम वर्षीय मालिनी कुमारी के रूप में माँ के विग्रह में या माँ के चित्र में जो है पूजन किया जा सकता है। माँ को आपको सप्तम वर्षीय बालिका रूप में जो है मालिनी कुमारी रूप में जो है आपको पूजन करना चाहिए कन्या के अभाव में, माँ के विग्रह में ही माँ के चित्र में ही जो है उस सप्तम वर्षीय बालिका रूप में माँ को मानस में जो है भावना मानस में माँ के जो है चिंतन करते हुए उस सप्तम वर्षीय बालिका रूप में मालिनी कुमारी रूप में जो है माँ के आपको पूजन करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर कन्या के अभाव है तो सप्तम वर्षीय मालिनी कुमारी रूप में जो है माँ की सेवा पूजन किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।